बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन व सामीन, वक्त एक इंतहाई कीमती सरमाया है जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को दिया हुआ एक बहुत बड़ा इनाम है। खुश नसीब वो लोग हैं जो इस वक्त की पाबंदी करते हैं और इन लम्हात को कीमती समझते हुए मेहनत करते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाते हैं। आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने इस कायनात का जो निज़ाम है मुकम्मल, मरबूत और मुनज़्ज़म किया हुआ है। आज जिस वक्त सूरज जिस घंटे और जिस मिनट में तलू हुआ है, आज से 10 साल बाद भी अगर आप गौर करेंगे, देखेंगे तो इसी मिनट और इसी घंटे को तलू होगा। जिस तरह गुरूब हुआ है, आज से 10 साल बाद भी इसी वक्त में गुरूब होगा। इसी तरह पूरी कायनात का निज़ाम देख लें कि अल्लाह ताला ने कैसे मुनज़्ज़म और मरबूत किया हुआ है। हम इंसानों के लिए भी इसके अंदर एक सबक है कि हम भी अपने वक्त को इसी तरह मैनेज करें, मुनज़्ज़म करें, मरबूत करें। दुनिया के अंदर जो भी शख्स है, चाहे वो कामयाब है या चाहे वो नाकाम है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को 24 घंटे दिए हैं। जो लोग कामयाब हो जाते हैं वो इन 24 घंटों को कीमती समझते हुए इसमें मेहनत करते हैं, अपने सिस्टम को मैनेज करते हैं और मुस्तकिल मिजाजे के साथ लगे रहते हैं, एक दिन वो कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग नाकाम होते हैं इसमें वो दूसरों का कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि खुद उनकी अपनी ही मिस्टेक होती है, वो अपने इस वक्त को जाया कर देते हैं जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। हमारे जो असलाफ करते थे वक्त की बहुत ही ज्यादा पाबंदी किया करते थे। इमाम ने जौजिया रहमतुल्लाह ताला का वाकया आता है कि उन्होंने अपनी दौरान तालबिल्मी के अंदर 20,000 कुतब का मुताला किया था और जिंदगी के अंदर उन्होंने 1,000 कुतब लिखी थी और बाज उनकी किताबें ऐसी हैं कि जो आगे सैकड़ों जुल्दों पर मुश्तमिल हैं। इनका इन्होंने अपनी आखिरी जब इनके आयाम थे जिंदगी के, तो इन्होंने वसीयत की थी कि जो मेरी कलम के तराशे हैं, जिस तरह इंसान पेंसिल को घटता है और ऊपर से तराशा निकल आता है, तो इनके जो कलम के तराशे हुआ करते थे, तो इन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं फोत हो जाऊं तो मेरी जो कलम के तराशे हैं उनसे मेरे गुस्ल का पानी गर्म किया जाए। तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उनके तराशों से गुस्ल का पानी गर्म किया गया, लेकिन वो तराशे बच गए। यानी इतना उन्होंने अपने काम को और अपने वक्त को मैनेज किया हुआ था कि जिंदगी के अंदर इतनी खिदमात सर अंजाम दी, इतनी तालीफात लिखी और इतना दीन का काम किया कि वो तराशे गुस्ल का पानी गर्म किया गया, लेकिन फिर भी वो बच गए। इसी तरह दीगर जो हमारे असलाफ हैं वक्त की बहुत ही ज्यादा पाबंदी किया करते थे। आप एक स्टूडेंट्स की मिसाल ले लें कि एक स्टूडेंट्स वो वक्त पर स्कूल जाता है, वक्त पर उठता है, वक्त पर सोता है, वक्त पर खाना खाता है, वक्त पर क्लास में जाता है, वक्त पर घर वापस आता है, वक्त पर एक्सरसाइज करता है, वक्त पर स्पोर्ट्स खेलता है और इसी तरह वक्त पर वो अपने मुताले को टाइम देता है, तो जो इम्तिहान होते हैं इसमें वो कामयाब हो जाता है। और एक स्टूडेंट्स जो वक्त पर ना उठता है, ना स्कूल जाता है, ना कुतुब को टाइम देता है, ना अपनी स्टडी को टाइम देता है, ना एक्सरसाइज करता है, अपने काम को मैनेज नहीं करता, तो इम्तिहान के दिनों में वो नाकाम हो जाता है। तो जो वक्त है ये एक बर्फ की मानिंद है जो हर गुजरते लम्हे के साथ पिघलती जा रही है। तो खुश नसीब वो लोग हैं जो इन औकात को कीमती समझते हैं, अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ते हैं। हमेशा कोशिश क्या करें कि एक एक लम्हा भी आपका जाया ना हो। रात को जब आप सोएं, अपना मुहासबा करके सोएं कि आज के दिन मेरा अल्लाह के साथ कितना ताल्लुक मजबूत रहे, आज के दिन मेरे काम कितने हुए हैं, कितने नहीं हुए, अपना मुहासबा करके सोएं और अपना एक वक्त मुकर्रर कर लें कामों के लिए। मैंने पढ़ाई को कितना टाइम देना है, मैंने खेल को कितना टाइम देना है, मैंने स्कूल को कितना टाइम देना है, मैंने अपनी स्टडी को कितना टाइम देना है और मैंने मोबाइल को कितना टाइम देना है, इंटरनेट कितना इस्तेमाल करना है। काम को मैनेज करके रखें, फिर अपने ऊपर थोड़ी सख्ती करें। जब आप अपने खिलाफ जिहाद करेंगे, अपने ऊपर सख्ती करेंगे, तो देखना अनकरीब आप भी कामयाब हो जाएंगे। वस्सलाम।